दोस्तों रिव्यू करेंगे इस वीडियो में कुफ्रिल सिरप के बारे में, जानेंगे क्या होती है, कौन सी प्रॉब्लम काम आती है, कितनी लेनी चाहिए, कितने दिन तक ली जाती है, काम किस तरह से करती है, सब कुछ जानेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। देखिए कुफ्रिल एक ब्रांड है मेड मेनोर कंपनी का। दोस्तों ये पीने की सिरप आती है, इसको डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करते हैं, कभी भी इसका सेल्फ यूज मत कीजिएगा। हर दवाई दुकान पर आसानी से मिल भी जाती है। बात करते हैं भाई कहाँ दी जाती है, तो देखिए बड़े व्यक्ति में, बड़े लोगों में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। पीने की सिरप आती है गीली खांसी में दी जाती है। अगर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गीली खांसी है, खांसी आ रही है, बलगम नहीं निकल पा रहा, बलगम चिपा हुआ है, मुक्कस है, तो वहाँ फिर दी जाती है। या अस्थमा है या अस्थमेटिक एलर्जी है तो वहाँ पर भी काम करती है। तैंते की आवाजारी है, छाती में जकड़न है, भारीपन है, तो छाती को खोलने के लिए, कफ को निकालने के लिए दी जाती है। यानी का मतलब गीली खांसी है तो वहाँ ये दी जाती है। सूखी खांसी में ये काम नहीं करती, सूखी खांसी में कुफ्रिल डीएक्स लेनी पड़ती है, जिसके अंदर डेक्सामेथोरपेन होता है, वहाँ वो काम आता है। ठीक है, बात करते हैं भाई मोड ऑफ एक्शन के बारे में, काम किस तरह से करती है। तो देखिए इसके अंदर तीन सॉल्ट आते हैं, पहला है एम्ब्रोक्सोल, दूसरा है टर्बुटालिन और तीसरा है ग्यूफेंसिन। दोस्तों तीनों ही सॉल्ट एक्सपेक्टोरेंट है, कफ को पतला और ढीला कर बाहर निकालते हैं। ग्यूफेनेस जो होता है कफ को पतला कर देता है, जिससे कफ इजीली आ जाता है, अगर कहीं पर चिपका हुआ है वहां पर से आ जाता है। ठीक है, टर्बुटालिन दोस्तों श्वास नली को चौड़ा करके काम करता है। एम्ब्रोक्सोल जो होता है ये श्वास नली से कफ होता है तो क्लीन तो करता ही है, साथ साथ कफ को ढीला और पतला करके बाहर निकालता है एम्ब्रोक्सोल। बात करते हैं डोज के बारे में, तो देखिए डोज जो होती है 5-5 ml दिन में 2-3 बार होती है, बॉडी वेट देखा जाता है और डॉक्टर वैसे बता देते हैं। तो दिन में मैक्सिमम की बात हो तो दिन में 15 ml बड़ा व्यक्ति, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, पर डे ले सकता है। ठीक है, बात करें साइड इफेक्ट के बारे में, वैसे तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन कुछ मामलों में कभी कभार देखा गया है कि नींद आने दिक्कत हो सकती है, सर में भारीपन या सर दर्द हो सकता है, वॉमिटिंग प्रॉब्लम या नोजिया प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये बहुत ही कम चांस होते हैं, हर किसी में नहीं होते। सावधानी है, डॉक्टरी जांच लेना है, सेल्फ यूज नहीं करना है। देने के बाद भी अगर आराम नहीं मिले 2-3 दिन हो जाए तो इस पर डिपेंड नहीं रहना है, डॉक्टर को जरूर करना है। अगर कोई महिला प्रेगनेंसी में है या ब्रेस्ट फीडिंग में है तो डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए, बच्चे के लिए अच्छा रहता है। दोस्तों मिलते हैं वीडियो में।